हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम अमित कपूर, आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त। आज आपके सामने पेश करूंगा वीकली फोरकास्ट। ये वीक 29th of Jan 2018 से लेके 4th of Feb 2018 तक है। मेरी ये सारी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं, ना कि आपके मून साइन पे और ना ही आपके जॉडिक साइन पे। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि आप असेंडेंस पे प्रेडिक्शन क्यों देते हो। मैं पहले भी बता चुका हूं और अब भी बता रहा हूं, असेंडेंस कुंडली का सेंटर पॉइंट है। असेंडेंस से हम किसी भी प्लैनेट्स की लंबे ट्रांजिट के बारे में अगर स्टडी करनी है तो वो हम असेंडेंस से करेंगे। कि अब सैटर्न की बात करें, वो 2.5 ईयर एक साइन में ट्रांजिट करते हैं। जुपिटर की बात करें तो वो 13th मंथ यानी 13 महीने एक साइन में ट्रांजिट करते हैं। राहु केतु की बात करें तो वो 18th मंथ यानी 1.5 साल 18 महीने एक साइन में ट्रांजिट करते हैं। तो गाइज, अगर आपको कुछ अच्छी प्रेडिक्शंस लेनी है, सॉलिड प्रेडिक्शंस लेनी है, तो आप अपने असेंडेंस को बेस्ड मानकर आप अगर प्रेडिक्शन लोगे और आप अपनी लाइफ को उन चीज़ों की ओर अप्लाई करके आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी अचीवमेंट्स मिलेंगी। मून साइन भी इफेक्टेड है, लेकिन मून साइन का काम सिर्फ हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स से जुड़ा हुआ है। असेंडेंस आपका माइंड है, असेंडेंस आपकी बॉडी फिजिक है, असेंडेंस आपकी प्लानिंग्स है, आपकी नेचर है, आपकी सोच है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो असेंडेंस से ज़्यादा पावरफुल हैं और ज़्यादा इफेक्टेड हैं। सो गाइज, मेरी ये सारी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड है, ना कि आपके मून साइन पे। लेट्स स्टार्ट फॉर द स्कॉर्पियो असेंडेंस। फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंस फ्रॉम 29th of Jan 2018 टू 4th Feb 2018, गाइज, आपका रूलिंग प्लैनेट आपके असेंडेंस में ट्रांजिट कर रहा है। आपके थर्ड हाउस में सन, वीनस, केतु और मार्स का ट्रांजिट है। इस होल वीक में आपके लिए आपके भाई बहनों के साथ आपके रिलेशनशिप कुछ ख़राब हो सकते हैं। आपको वो रिजल्ट्स आपके कज़न से, आपके क्लीग से, आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके भाई बहनों से नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्टेड हो। सबसे पहले तो अपने रिश्तों को बचा के चलें, भाई बहनों के साथ एक स्वीट टॉक में रहें, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी से ना लगाएं तो आपके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। बिजनेस और फाइनेंस को लेकर स्कॉर्पियो असेंडेंस ये वीक आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरिटी वाला है। कुछ अनएक्सपेक्टेड मनी आपको इस वीक में नॉक करेगी। फ्रेंड सर्कल से आपको जो आप एक्सपेक्टेड हो वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको दोस्तों से लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है। अब अपने काम की ओर ध्यान दें, अपना 100% बेस्ट करें। फॉर्चून आपके काफ़ी फेवर में है और आपको बहुत अच्छी अचीवमेंट्स और फेम और प्रॉस्पेरिटी इस वीक में मिलेगी। कुछ ऐसा नया कॉन्ट्रैक्ट या कुछ ऐसा नया बिजनेस डील स्कॉर्पियो असेंडेंस मुझे इस वीक में आपके लिए बनती हुई दिखती है, जो आपकी किस्मत में 4 चांद लगाएगा। ओवरऑल ये वीक आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, जिसमें आपका सारा सिनेरियो क्लियर होगा कि आपने 2018 में आगे क्या बेस बनेगा और आपने क्या करना है और आपकी गाड़ी किस स्पीड से भागेगी। इस सारे वीक में आपको आने वाला कल बिल्कुल क्लियर दिखेगा, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अपनी फैमिली लाइफ से रिलेटेड। अब ऐसा क्या करें जिससे हमारी स्ट्रगल, हमारा हार्डवर्क हमें बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे और हमें किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी इस वीक में फेस ना करनी पड़े। गाइस, आपके लिए ट्यूसडे नाइट को और सैटरडे नाइट को वीक में ट्वाइस टाइम हनुमान जी को मीठे पान का भोग लगाना और संकट मोचन का पाठ करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। जितना ज़्यादा आप हनुमान जी को मीठे पान का भोग लगाएंगे और संकट मोचन का पाठ करेंगे, उतना ज़्यादा फॉर्चून आपके फेवर में रहेगा और आपको फेम, प्रॉस्पेरिटी और राइजिंग मिलेगी। नो मोर अबाउट दिस वीकली फोरकास्ट, विजिट माई वेबसाइट www.akastrologyzone.com। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।